हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आज आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर जो दिख रहा है आपको, ये पेपर है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, दैट इज बीपीएससी। बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है एक एग्ज़ाम जो कि है बेसिकली पॉलीटेक्निक कॉलेजेस के अंदर जो लेक्चररशिप पोस्ट, ठीक है, तो उस पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और ये एग्ज़ाम हुआ है 27 सितंबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और ये पेपर है स्पेशली आपका सिविल इंजीनियरिंग का, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो 1 to 80 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। टोटल 80 क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस बाकी जो हैं आपके सिविल ट्रेड के मिलेंगे, कोर सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड के, ठीक है। तो बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इनके आंसर्स की। कोशिश करी है मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट करके, सर्च करके, सॉल्व करके क्वेश्चंस को आपको करेक्ट आंसर दूं, बट इफ़ इन केस अगर जो कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। पहले से ही मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, नाराज़ ना होना, ठीक है। तो चलिए, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो भी आपको पता होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर इज 39/2020, ठीक है। 39/2020 इज द एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द लेक्चरर पोस्ट इन द बीपीएससी फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। दो मैट्रिक्स दी गई हैं आपको, ठीक है, ये मैट्रिक्स और एक ये मैट्रिक्स। तो ये आपको यहाँ पर बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का, तो वो बनेगा आपका दैट इज 3/2, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा, क्लियर। 3/2 इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं स्क्रीन पे ही जो सामने आपके सामने की तरफ आपको क्वेश्चन देख रहा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जो हमें स्क्रीन पे सामने दिख रहा है उसको हम देखते चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, यहाँ पर आपका आइगन वेक्टर निकालना है, लैम्डा 1 दिया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1, दैट इज 1 आएगा और एक वैल्यू आएगी -1 की, ठीक है, 1 और -1 आएगा। तो दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भाई आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन इट्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी मैट्रिक्स शुड बी, देखिए वो क्या होगी, m बाई m की ही मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं आपकी, ठीक है। तो आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर जब सॉल्व किया मैंने तो उसको लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट इज बेसिकली 8, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आई 8। म्यू की वैल्यू वहाँ पर नहीं रहेगी बिकॉज द, ठीक है, मतलब म्यू की वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगी, तो लैम्डा की वैल्यू 8 होगी। तो लैम्डा की वैल्यू तो 8 है बट म्यू की वैल्यू दिखी हुई, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। छठा प्रश्न है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, तो एक्चुअली गलत हो रहा था बार बार आंसर, कुछ मिस्टेक हो रही थी मेरे से, तो वो पकड़ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है थर्ड क्वेश्चन को। सेवन्थ क्वेश्चन को भी इसका जो, देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, तो डाउट तो है बट अगर जो मैं लगाना चाहूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, सर्कल में कर देता हूँ इसे, डाउट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बट आई हैव लिटिल बिट डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, बट मेरे ख्याल से शायद होना चाहिए 50-50 वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि जो मेरी तरफ से डाउट है, पहले से मुझे डाउट है उनमें कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको मैं पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ साथ में। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2/8 ऑब्लिक एक्स फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी दैट इज द 4,
यहाँ पर आएगी 4, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। डायरेक्शनल डायरेक्टिव्स ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz² एट द पॉइंट दिस मच दिस मच दिस मच। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी, तो इसको जब सॉल्व करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आप क्या क्या लगाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन है, जैसे 2i आपका दिया ही हुआ है, 2i माइनस जे माइनस 2k अपॉन में लगाएंगे आप जो आपकी वैल्यू आएगी, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और विद द रिलेशन, आपका एक रिलेशन है दैट इज ये शाई डेल्टा शाई ए, ठीक है, तो इसके थ्रू ए ये वाला जो वैल्यू आपने फाइंड करी है, तो इसको जब फाइंड करते हैं तो आता है आपका 37/3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन के बाद, आई थिंक ऊपर का कर चुके हैं हम, नाइन्थ से पहले टेंथ, एक मिनट, इलेवेंथ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या? ओके ठीक है, नीचे करेंगे, ठीक है। ये ट्वेल्थ क्वेश्चन है आपका, 12वां प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, ये वाली y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट में फिर e की पावर माइनस 3x प्लस 1/25 e की पावर 2x, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। और 8 का है ऑप्शन नंबर 4, और इसका तो हो गया ये। और फिर हम 13वें क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 13th का। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन में मुझे डाउट है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर आर, इसका डाइवर्जेंस आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। तो डाइवर्जेंस के लिए आपको निकालना है, तो आप क्या निकालेंगे, एक रिलेशन है आपका डेल बाई डेल एक्स और फॉर द कैपिटल एक्स एंड फॉर सेम वैल्यू, यही चीज़ आपको करनी है, डेल वाई के साथ में कैपिटल वाई लगाएंगे और साथ में डेल बाई डेल जेड यहाँ पर कैपिटल जेड लगाएंगे। तो सारी वैल्यूज रखोगे तो आपका वन एक्स की वैल्यू आएगी, वन वाई की वैल्यू आएगी, वन जेड की वैल्यू आएगी, तीनों को ऐड कर दोगे तो 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 11th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको डीवाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ई की पावर 2x माइनस 2 है, 2y है। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल कम, 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/2 ई की पावर 2y माइनस ई की पावर x प्लस ऑफ सी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं 14th क्वेश्चन को, तो आपका एक वैल्यू आएगी, वो होगी ये वाली एक पॉइंट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन रहेगा, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ उसका, थोड़ा सा एक डेढ़ पेज का आसपास का सॉल्यूशन हुआ है, थोड़ा लेंदी रहा है इसका, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी 2/y डी स्क्वायर बाई वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस वैल्यू अप टू दिस दिस इज, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी फॉर दिस 15th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1/2 साइन 2x, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0 इन अ फोरियर सीरीज। तो यहाँ पर जो 0 होगा वो आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ये होगा बी एन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज साइन बी एन, ठीक है। तो साइन बी एन बेसिकली क्या है, एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन होने की वजह से मतलब जितने भी ऑड टाइम्स आप इवन फंक्शन को जब ऑड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमेशा भी जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो उसका जो फाइनल रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी थी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस पर्टिकुलर केस की। तो ये आपका ESC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो 2017 का था उसके अंदर ये पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्टली क्वेश्चन था ये। तो वहाँ पर जो इसका आंसर था वो आंसर था वहां पर साइन 3x माइनस वाई, ठीक है।
विद माइनस साइन के साथ में, ठीक है, माइनस साइन के साथ में था। जब इस माइनस साइन को साइन का कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉस 3x माइनस वाई बन जाएगा आपका, ठीक है। तो वहां पर जो आंसर था वो ये था, क्योंकि तो वहां पर माइनस के साथ में था, बट यहाँ पर पॉजिटिव में है कॉस में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस में माइनस में पूछा गया था और यहाँ पर ये है पॉजिटिव कॉस के टर्म में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन जो है हमारा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इक्वेशन, वो क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मीन एंड मीडियन आपको निकालना है। तो देखिए आप मीडियन निकालिए पहले तो, ठीक है। तो मीडियन निकालिए, मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म, देखिए थर्ड टर्म होगा दैट इज 7, मीडियन हो गया 7, मीडियन 7 मतलब सेकंड आंसर जो है वो होगा 7। तो सेकंड आंसर कौन सा है, ये वाला फर्स्ट आंसर दिए, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है डायरेक्टली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर, जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ओके। तो यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, एक्चुअली मैंने शायद इसको सॉल्व नहीं किया, मैं छूट गया इसे, कोई बात नहीं, इसे मैं छोड़ देता हूँ अभी, ठीक है। इसको मैं, ये मेरे से सॉल्व किए बगैर रह गया आई थिंक, एक सेकेंड, नहीं सॉल्व हुआ है ये, सॉरी ये सॉल्व किया है मैंने, छूटा नहीं है, 18वां छूटा नहीं है। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अंदर तीन केसेस बनेंगे बेसिकली। एक केस बनेगा जब के की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, एक केस होगा के की वैल्यू जब जीरो होगी, और एक केस होगा जब के की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये वाली जो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस आंसर की, ठीक है, ये साइन वाली वैल्यू, ये कब आ रही है, ये तब आ रही है जब के की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर जब के की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में है, तब आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। फाइंड द लैपलास इक्वेशन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फील्ड, आपको लैपलास वैल्यू निकालनी है। 19th क्वेश्चन के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो देखिए इसकी वैल्यू जो आएगी, देखिए इसके लिए जो रिलेशन होता है दैट इज डेल स्क्वायर अपॉन वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल वी स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जब इन चीज़ों को आप डिफरेंशिएट करोगे इस पर्टिकुलर वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो आपका जो वैल्यू आएगी, सो ये मिलेगी आपको 2 + 2 - 2, ठीक है। तो प्लस माइनस ये कट गया तो बचा आपका 2, तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो मतलब लैपलास यहाँ पर जो है वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। आंसर वैल्यू निकाल ली थी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका हो गया ये ऑप्शन नंबर बी, इसका सी हो गया है। और 22वां प्रश्न जो है हमारा, 22nd नंबर क्वेश्चन, तो 22nd नंबर में पूछा गया है कि द मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन आर, दिस इज इक्वल और या फिर इसे सेम कह सकते हैं, सेम देखने को मिलेगा या फिर इक्वल देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की। तो 23 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस और अ स्पेड और बोथ फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स। तो देखिए इसके अंदर जो रिलेशन लगेगा, देखिए प्रोबेबिलिटी अगर जो हम बात करें, इसको थोड़ा क्लीन करके फिर बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के, अगर जो सॉल्व करें इसको थोड़ा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आपका एस, एस की प्रोबेबिलिटी की जो हम बात करें तो वो कितनी होगी, दैट इज 13/52 रहेगा। और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कर लें, जैसे ये आपका किसके लिए रहेगा, दैट इज स्पेड के लिए, तो स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 4, तो दैट इज 4/52 ये रहेगा आपका, ठीक है। और नंबर ऑफ एसेस मतलब एस जो है वो स्पेड के अंदर कितना होता है, दैट इज द इंटरेक्शन की जब हम बात करें तो ये आपका रहेगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरेक्शन ऑफ पी, तो ये होगा 1/52 का, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। आपको फाइंड करना क्या है यहाँ पर, देखिए आपको फाइंड करना है, बोथ भी लिख दिया है, एक भी लिख दिया है, सब लिख दिया है, ठीक है। तो मतलब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, मतलब यूनियन वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या होता है, पी ए प्लस पी ए प्लस ऑफ पी बी, पी बी और प्लस पी ए इंटरेक्शन विद बी,
आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तीनों वैल्यू है आपको पुट करोगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका 4/13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तीन चीज़ें लिख दी मैंने, इन तीन चीज़ों को इक्वेट कर देना यहाँ पर और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट ये वाली चीज़ माइनस में होगी, ये वाला टी इंटरेक्शन इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1/5 वाला जो है वो माइनस, 1/52 माइनस हो जाएगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 4/13। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 के बाद 24th नंबर क्वेश्चन, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है, तो 24th नंबर क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम क्या है, जितनी ये वैल्यूज है इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, मतलब इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, इसको ऐड कर देना, और ये स्क्वायर वाले वैल्यूज को ऐड कर देना जितने भी हैं, और फिर आपको क्या फाइंड कर देना है, की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो क्या क्या आ जाएगा, क्या मतलब देखिए, जब इसको सॉल्व करोगे तो 10k² + 10k बन जाएगा = 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, तो k की वैल्यू -1 आ गई, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27 को हम देखते हैं फिर। यहाँ पूछा गया है कि देखिए, लैग्रेंजियस इंटरपोलेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं सॉल्व किया, बट कहीं से मेरे से एरर हो रही थी इसके आंसर में, बट इसका मेथड ये है, मेथड बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक रिलेशन है, ये है y = fx, और यहाँ पर आप लिखेंगे x - x1। देखिए x यहाँ पर है x1, फिर x - x2, x - x3। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद अपॉन में ये जाएगा x0 - x1 (x0 - x2) (x0 - x3). ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पर y नॉट आएगा। ठीक है, जो नीचे है y नॉट है, मतलब नॉट में है, तो यहाँ पर ये y नॉट में आ गया। प्लस में सेकंड वैल्यू जो इसके साथ मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो सेकंड वैल्यू जैसे x - x0 (x - x2). अब x1 हमारा यहाँ नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हम y1 निकाल रहे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x - x3 upon x1 - x0 and similarly x1 - x3, और यहाँ पर आएगा y1। ठीक है, तो इस तरीके से तीन चार वैल्यूज को आप रखेंगे, ये जितनी वैल्यूज रखी हुई है ना, x1 x2 x3 x4, ठीक है, x4 तक हैं, तो इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करते जाइए, आप सॉल्व करेंगे, एक बड़ा सा इक्वेशन बनेगा, फिर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, मेरे से कहीं से मिस्टेक हो रही थी किसी पॉइंट पर, इसी वजह से आंसर नहीं निकल पा रहा था, बट मेथड यही है, इसको आप पुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 27th क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28th की। तो क्वेश्चन नंबर 28th में आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इज, और हाँ उसमें एक्स की वैल्यू भी दी हुई है, वो भी आपको लास्ट में पुट करनी है। ठीक है, डेरिवेटिव एट x = 1.5 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इस इक्वेशन के अंदर जो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कौन सा, 1/h, जो कि डेल्टा वाई नॉट प्लस हाफ डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब वाई नॉट और माइनस, सॉरी यहाँ पर भी माइनस रहेगा हाफ के साथ में, और -1/4 डेल्टा 4 वाई नॉट। तो इस तरीके का जो इक्वेशन बनाएंगे आप, वहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है x और y की, मतलब y के टर्म्स में यहाँ से, और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू आएगी 9। ठीक है, आंसर मिलेगा 9 का। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये, सॉरी जस्ट अ मिनट, 25 नंबर क्वेश्चन में, इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन वन, देन द अदर विल बी लेस देन वन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की जब हम बात करते हैं, द हाईएस्ट पॉलीमर ऑफ, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पॉलीमर इंटीग्रेंट फॉर विच सिम्पसन 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट। सो यहाँ पर 29th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, थर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ओके,
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 26 में आपसे पूछा गया है न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए। ये इस्तेमाल होता है दैट इज ओनली फॉर द इक्वली स्पेस्ड इंटरवल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हम बात करेंगे जो 30th क्वेश्चन की, 30 नंबर प्रश्न की। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न को भी मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, मतलब कर रहा था बट इंटरपोलेशन आता है ना तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कोई पॉइंट पे, तो वैल्यू मेरी आ नहीं रही थी। तो इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ, अगर जो किसी ने किया है तो आप आंसर इसका बता सकते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है ना मैथमेटिक्स में जब हम इंटरपोलेशन वाले जो वर्ड्स क्वेश्चंस करते हैं तो थोड़ा सा एरर आती, एक एरर आती है और बार बार वही आती रहती है उस टाइम पर कंटिन्यूली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिविल के क्वेश्चंस की। अभी तक थे हमारे 1 to 30 क्वेश्चंस पूरे मैथमेटिक्स के, 2-3 क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा है जो मुझे नहीं आए प्रॉपरली, सही से आंसर नहीं मिल पाया, बाकियों को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। 31 में आपसे पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि ये जो टर्म है P by Y और V² / 2G और Z, ये क्या है बर्नौली इक्वेशन के अंदर। ये है प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या स्टैटिक हेड लिखा है, काइनेटिक हेड लिखा है, डेटम हेड लिखा है, नहीं ये नहीं है वो। देखो डेटम हेड तो है, या एक मिनट, जस्ट अ मिनट, दोनों स्टैटिक हेड, प्रेशर हेड है, स्टैटिक हेड है, जस्ट अ मिनट। 31 में काइनेटिक हेड भी कह सकते हैं, वेलोसिटी हेड भी कह सकते हैं। देखो यार दोनों में हो रहा है, आई थिंक कंफ्यूज कर दिया इसने। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रहना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों ही चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें बन रही हैं, ऑप्शन ए और बी, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 31 का। 32 की जब हम बात करते हैं तो 32 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 34th, कोफिशियंट ऑफ चेजेस फॉर्मूला हैज अ डायमेंशन। तो चेजेस फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 8g अपॉन f होता है, ये वैल्यू होती है। तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो आती है L ½ t - 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पिक करनी है 35 में। तो देखिए पहली स्टेटमेंट जो है आपकी कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। एज द डेप्थ इंक्रीजेज द सेंटर ऑफ प्रेशर शिफ्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रॉइड ऑफ द प्लेन सर्फेस, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं आगे 33 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन रहा है तो इस वजह से मैं इसको क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें यहाँ पर, 35 हो चुका है हमारा 36। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है कि शाई की वैल्यू 2xy है, 2D फ्लो के अंदर वेलोसिटी पोटेंशियल बताना है। तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, ये आप निकालते हैं ऐसे, इसके लिए रिलेशन होता है U = -∇ psi/∇x और V = -∇ psi/∇y। ये रिलेशन लेते हैं आप, इस इक्वेशन को रखेंगे और आप सॉल्व करेंगे, मतलब एक वैल्यू आएगी -2x, एक आएगी आपकी 2y। तो ये दो वैल्यूज आएंगी, V आपको निकालना है, अंडर रूट कर देना U² + V² और उसके बाद फिर आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी X² + Y² + एक C कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज़ हो गई, प्लस के साथ में आ गई, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 37 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, क्योरिंग पीरियड ऑफ द OPC इज लेस देन द PPC, लेस देन होता है, लेस देन। देखिए OPC की जो क्योरिंग पीरियड होती है वो 7 days रखी जाती है मिनिमम, और PPC को 10 दिन के लिए क्योरिंग पर रखा जाता है मिनिमम। ठीक है, तो इस वजह से लेस देन। फिर हम बात करते हैं 37 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, अबाउट 80% ऑफ मास ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स इन द ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है, मतलब यहाँ पे 75 to 85% मास जो है वो इसी लेयर के अंदर देखने को मिलता है। इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ EMR लाइज बिटवीन, तो ये जो वैल्यू होगी दैट इज 0.7 माइक्रोमीटर टू 14 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39। 41 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं
तो यहाँ लिखा गया देखिए आईएस कोड 800 2007 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड मे बी टेकन एज। सो यहाँ पर देखिए कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो है इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन में होती है 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ प्लस लिखा हुआ और पर डिग्री सेल्सियस है तो ये चीज़ तो गलत हो गई। पहला पॉइंट तो आपका गलत, फर्स्ट पॉइंट फॉल्स हो गया। सेकंड पॉइंट यूनिट मास होता है 7850 kg/m³, बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड पॉइंट है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ Nm², ये भी सही है। पॉइजन रेशियो 0.3 होता है, बिल्कुल सही है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये भी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो मतलब 2, 3, 4 और 5 ये चार पॉइंट सही है। तो चार पॉइंट सही मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा, दैट यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4, 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ओके चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का भी। मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है अभी तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है जो जिन क्वेश्चंस का मुझे आंसर में बिल्कुल ही डाउट है कि भाई नहीं पता तो नहीं पता, तो उन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्टली अभी छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है 42 क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं। तो एज पर द आईएस कोड 2007 जो स्टील का कोड है बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू द लोड अदर देन द विंड और अ सिस्मिक। सो ये वैल्यू होती है 180 की। ठीक है 42 का करेक्ट आंसर है 180, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि द हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑन द वर्टिकल फोटोग्राफ 43, तो उसके अंदर इंक्रीज इन द ऑरिजेंटल डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, ये भी सही है। इंक्रीज एज द ग्राउंड एलिवेशन डिक्रीजेस, बिल्कुल। डिक्रीज एज द फ्लाइंग हाइट डिक्रीजेस, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है 44th की जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, तो देखिए यहाँ पर नॉट एलिमेंट ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा गया है। तो वो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मुझे टर्म दिख रहा है वो दिख रहा है शेप। तो आई थिंक ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें क्या होगा, बट आई थिंक 44th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पी ही होना चाहिए। ठीक है एक्सीडेंटल एरर क्या होता है, देखिए एक्सीडेंटल एरर जो है 46 का ये एक कंपैरेटिव एरर भी कहा जाता है। एक्सीडेंटल एरर को ये अलाउ डू नॉट अलाउ एनी डेफिनेट मैथमेटिकल लॉ, मतलब कोई डेफिनेट पाथ या रास्ता जो है वो उसके बारे में बात नहीं करता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है लिविंग वेजिटेशन अपीयर्स ऑन फॉल्स कलर IR इमेज दैट इज द रेड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर्ड फॉर द जियो रेफरेंसिंग ऑफ इमेज विद एरर एस्टिमेशन दैट इज कम से कम 3 पॉइंट तो चाहिए चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन जो है ये, इसमें पूछा गया है देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 45 का मैं आंसर बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी लेस देन द हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है 49th क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 49th का वो होगा ऑप्शन नंबर ए ओ और पी अपवर्ड्स की तरफ। ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 49। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पूछा गया है कि IS कोड रिकमेंडेशन द इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ ऑफ द टी बीम, वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर BF इक्वल्स टू I0/6 BW+DF 6DF। ठीक है ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आपका किसके लिए होता है, दिस इज फॉर द मोनोलिथिक बीम, मोनोलिथिक बीम के लिए होता है। अगर जो हम बात करें आइसोलेटेड बीम की, आइसोलेटेड बीम की बारे में बात करें तो उसके लिए जो टी सेक्शन का मतलब जो इक्वेशन बनेगा दैट इज BF इज इक्वल्स टू BW+L0/L0B+4। ठीक है तो ये इक्वेशन बनती है फॉर द आइसोलेटेड बीम के लिए और ये है मोनोलिथिक बीम के लिए। ठीक है चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, कई सारी स्टेटमेंट्स हैं, आपको डायरेक्टली मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है चलिए 52 नंबर का सी हो गया। एक मिनट ये वाला तो क्वेश्चन हमारा छूट गया एक,
कौन सा ये 51 नंबर, ओके 51 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 52 था ये वाला आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 51, द बॉन्ड फेलियर इन आरसीसी स्ट्रक्चर बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील, ये होता है बिकॉज ऑफ दिस। 51 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज फेलियर ऑफ एडिशन बिटवीन द कंक्रीट एंड द रिइंफोर्स्ड बार के बीच में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 51 नंबर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर पाया था तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन को की तरफ 55 नंबर क्वेश्चन की, तो 55 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी के तहत जो है बेसिक अजम्पशन क्या है उसकी, तो वो है आपकी बेसिक अजम्पशन टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रिस्पॉन्स, ठीक है। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोरोसिटी ऑफ अ सर्टेन सैंपल सैंड सैंपल इज 50% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना दिया हुआ है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो ई आपको पता है एन अपॉन वन माइनस एन होता है, पोरोसिटी आपको दिया हुआ है दैट इज 50%, आप इसको निकालोगे तो 0.5 वैल्यू आएगी इसकी 1, ठीक है, ई की वैल्यू आ जाएगी 1, वो नहीं आएगी राइट, है ना, 1 आएगी बिल्कुल, तो 1 आ जाएगी और 1 आने के साथ साथ क्या होगा फिर, नहीं जस्ट अ मिनट, हाँ सही बात है ना, देखिए एन क्या है 0.5, 50% है तो 50% क्या होता है 0.5 हो गया, और इधर 1 माइनस 0.5 तो दैट विल बिकम 0.5 बाय 0.5, ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया 0.5 में, ये तो डेट्स 1 आ गया ना आपका सिंपल, तो 1 आ गया, तो उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो उसका रिलेशन है जैसे जी एस माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है, तो जी आपको पता ही है ये ई निकल ही गया, आपको वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा ये आएगा 1.7 अपॉन 1.5, तो ये मिलेगा 1.113, ठीक 1.13, ठीक है, तो 1.13 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा 54th नंबर क्वेश्चन है, 50 कौन सा कर लिया था, जस्ट अ मिनट एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं मिनट, ये था आपका 53, ओके ठीक है, हमने 56 किया था, 57 हो गया, 58 और 54 बाकी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर है आपका दैट इज 54, तो 54 का करेक्ट आंसर होगा अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2, एंड 58 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो इक्वेशन है ये पूछी गई है हाइड्रोमीटर रीडिंग इक्वेशन जो है, 58 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आर इक्वल्स टू आर एच डैश प्लस सी एम प्लस सी प्लस माइनस सी एल माइनस सी डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 59th क्वेश्चन, तो 59th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 59th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और बाकी जैसे देखिए आप यहाँ पर आप 59 के बाद हम बात करें तो जैसे आपका 60, 61, 62, तो ये तीन क्वेश्चंस जो हैं इनका थोड़ा सा मेरे से आंसर्स में वेरिएशन आ रहा था, मैच नहीं कर रहा था किसी क्वेश्चन के साथ में, तो इन क्वेश्चंस को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अगर जो किसी कैंडिडेट को आंसर्स पता है अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है, ताकि हम उन्हें पिन कर देंगे, बाकी लोगों को भी मिल जाएंगे आंसर्स, ठीक है। तीन क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उनके आंसर्स मेरे मैच नहीं कर रहे थे ऑप्शंस के साथ में, कुछ शायद कुछ एरर कर रहा था मैं, मैथमेटिकल या कैलकुलेशन एरर कोई रही होगी, ठीक है, तो इसलिए मैं उसके आंसर नहीं बता रहा हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, ग्रुप 1 बेसिकली एक ग्रुपिंग दी गई है, चलिए 63 के पहले हम 64 कर लेते हैं, तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, डेल यू इक्वल्स टू बी डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 64th क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको जब आप मैच करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर मीटर है, टेस्ट है, ये आपका यूज होता है बेसिकली मेनड्राट मॉडुलस के अंदर, और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट आपका होता है स्किन रेजिस्टेंस के अंदर,
स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है नंबर ऑफ ब्लोज के साथ में, मीन शियर टेस्ट होता है अनट्रेंड कोहेशन के साथ में। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1200 डेज, ठीक है, 1200 डेज ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है। इसके अंदर एक रिलेशन यूज होगा दैट इज टी वी इज इक्वल्स टू सी टी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, तो ये रिलेशन यूज करेंगे। तो उसके तहत में जो ये है, इसमें अगर जो इनका बेसिकली टाइम की बात कर रहे हैं तो जो टाइम होता है ना सिंगल ड्रेनेज के अंदर वो फोर टाइम्स बढ़ जाता है इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज, ठीक है। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की, द एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ऑन अ पाइल इज। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द अलाउबल लोड ऑन द पाइल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 69, ठीक है। तो इन ट्रांजिशन कर्व अप टू 9 डिग्री, तो अप टू 9 डिग्री रेडियस डिक्रीजेस एज द लेंथ इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा 69 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और ये जो है आपका 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा था मेरे सॉल्यूशन के अंदर, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाद में जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, या आप लोगों में से किसी ने प्रॉपरली सॉल्व किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दें ताकि हम उसे पिन कर सकें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि इफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द वाटर हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय सिंपल बॉइलिंग। देखिए सल्फेट और क्लोराइड या नाइट्रेट्स और कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स प्रेजेंट होंगे तो वो बॉइलिंग से साफ नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 रहेगा, चारों रहेंगे, पांचवा पॉइंट नहीं रहेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इसमें आपको निकालना है बेसिकली क्या निकालना था, जस्ट अ मिनट, हाँ, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ द पाइल आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्यू यू की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है 75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और सी यू निकालना है आपको अल्टीमेट, तो उसके लिए रिलेशन है दैट इज सी यू इंटू बी सी यू बी नॉट सॉरी सी यू बी इंटू एन सी दैट इज ए बी प्लस ए सी यू ए डॉट एस, ठीक है, एस। तो ये एक रिलेशन है, इसको यूज करते हुए आप उसके वैल्यूज निकालोगे, ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 878.34 किलो न्यूटन। तो 878 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IRC 37/1970 CBR मेथड ऑफ डिजाइन CBR टेस्ट शुड बी परफॉर्म ऑन रिमोल्डेड सॉइल इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, 71 की हम बात कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 73 की जब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो 73 क्वेश्चन नंबर जो है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय रिंग एंड बॉल टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर रहता है, ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 74th नंबर क्वेश्चन है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी द ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट फॉर द मिक्स डिजाइन, ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी दैट विल कम अप टू 5.6 के आसपास आ रही थी, जो मैंने सॉल्व किया तो 5.6 के आसपास समथिंग आ रही थी, तो यहाँ पर जो नियर बाय आंसर मिल रहा है तो वो मिल रहा है आपका 5.7, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 72 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 72 नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो आंसर मुझे मिला, ठीक है, तो वो मिला आपका 65.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जो सॉल्व किया है हमने, जो आपका एक रिलेशन था डंपस्टर मेथड वाला, ठीक है, 1.5 एल प्लस ऑफ 5
पॉन ऑफ वन माइनस ऑफ वी वाई, ये जो रिलेशन था इसको यूज करते हुए हमने ये सॉल्व किया तो हमें मिला 65.5। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, वाटर बॉर्न डिजीजेज आर बेसिकली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 78 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अकर्स एट जीरो वेयर, 78 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज एट द स्लोप लोकेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एट द स्लोप लोकेशन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब ये हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर आपको स्लोप देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, तो 76 में पूछा गया है सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, सर्विस कनेक्शन कंसिस्ट करते हैं फ्रल्स को, स्टॉप कॉक को और गूसनेक को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ फॉर द किलिंग ऑफ डिजीज बैक्टीरिया, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर 79th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और फिर हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की, फिर यहाँ पूछा गया था फॉर्मेशन ऑफ बीओडी असिमिलेशन इन द स्ट्रीम शुड इंक्लूड, सो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज बीओडी रेट कॉन्स्टेंट रहेगा सेडमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के साथ में, ऑप्शन सॉरी 77 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीओडी रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे बीओडी रेट कांस्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का। ठीक है, कई बार हो जाता है बोलते बोलते थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर, देखिए एक्टिवेटेड कार्बन जो है वो आपका यूज किया जाता है ऑडर्स को रिमूव करने के लिए, मतलब बेसिकली म्यूनसिपल ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, ठीक है, या बेवरेज प्रोसेस के अंदर ऑडर रिमूवर, मतलब जो एक स्मेल आती है उसको रिमूव करने के लिए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पीपीएससी का जो पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चररशिप का पेपर था सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का, जिसके अंदर मैथ्स और सिविल दोनों के सॉल्यूशंस को हमने किया है। कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट था वो मैंने आपको बता दिया, जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे प्रॉपरली नहीं मिले, मतलब सॉल्व नहीं हो पाए, इफ इन केस मैंने कोई एरर रहा सॉल्व करने के दौरान, तो उन क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया है। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। और इतने ही जितने भी, देखिए मैं अगर जो बात करूँ, इन टोटल शायद 80 क्वेश्चंस में से आई थिंक 7 or 8 क्वेश्चंस होंगे हार्डली जिनको मैंने स्किप किया है या फिर डाउटफुल क्वेश्चंस में रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस से आप अपनी आंसर्स को मैच करके आप अपना जो कट ऑफ वाला जो पोर्शन है जो रहेगा मेरे ख्याल से वट एवर 50% मान के चलिए, तो 50% मतलब 20 मार्क्स के आसपास जो है रहेगा शायद, तो उतना आप देख सकते हैं, उतने बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और हाँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।